गुरु आश्रम भगीरथ धाम गंगा लेवी हरिद्वार ऋषिकेश संस्कार गुरु कमलानंद ब्रह्मचारी और शिक्षक गुरु अर्जुनानंद रामायण। इस कथा में दूर दराज से पधारे हुए सभी गुरुजन आचार्य संतजन एवं भाईजन सती अनुसुईया के चरणों पर चलने वाली हमारी माताएं बहने इस कथा में हल्ला गुल्ला मचाने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को मेरा व्यास पीठ से हार्दिक वंदन अभिनंदन। इस कथा का 5 दिवस का आयोजन किया ऐसे संत भगवान के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान महाराज जी उन्हें भी मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन। संगीत पर शादर हुए संगीत भाई जो बड़ा ही संगीत का वादन करते हैं और मुझसे पूर्व जो आपको कथा श्रवण कराएंगे ऐसे परम पूज्य महाराज जी उनके चरणों में भी मेरा वंदन अभिनंदन। आइए सभी को एक चौपाई में प्रणाम करते हैं फिर कथा की ओर चलते हैं। जय श्री राम। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर।
Oh,
जब शंकर जी की विवाह की चर्चा आपको श्रवण कराई थी, उसके पूर्व आपको महाराज जी ने भी बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई थी। आज मैं आपको राम जन्म की कथा उसके पूर्व भगवान की विवाह की ओर चलेंगे। जब महाराज दशरथ एक बार महाराज दशरथ अयोध्या से देवलोक में जाते थे, जब हर वर्ष समय सवा लगती थी देवलोक में, तो हर वर्ष ही महाराज दशरथ जाते थे। जब एक दिन सभा लगी तो सभा इंद्र के दरबार में नहीं थी, सभा कुबेर के बाग में लगी। तो महाराज दशरथ भी उस सभा में गए थे। जब महाराज दशरथ उस सभा में पहुंच गए और जब सभा चलने लगी, तो इंद्रदेव उन्हें बता रहे थे कि जो कुबेर का ये बाग है इसकी महिमा क्या है। महाराज दशरथ ने पूछा, इस बाग में इन पुष्पों की बड़ी सुंदर खुशबू है। इंद्र बताते हैं कि अगर कुबेर के बाग का फूल है ना, इसे अगर कोई चोरी करके ले जाए तो इसकी खुशबू एक योजन तक फैलती है, इसीलिए इसे कोई छुपा कर ले जा नहीं सकता। और अगर जो कुबेर की यह बाग की बंदरी है, इससे अगर फूल बाहर जाके गिरता है तो सीधा समुद्र में जाके गिरता है। महाराज दशरथ सोचने लगे इस बात पर, परंतु जब सभा खत्म होती है तो महाराज दशरथ उस सभा से जाने लगे। और जब जाते हैं मुकुट में एक फूल बींद जाता है। महाराज दशरथ जब जाने लगे तो जब कि अयोध्या से एक योजन दूर थे, एक कोस की दूरी पर थे, तो अयोध्या में खुशबू फैल गई। आई अयोध्या के सभी नर नारी सोच रहे हैं कि जो खुशबू आज इस अयोध्या में फैली है, ऐसी खुशबू तो कभी नहीं फैली। इधर महाराज दशरथ चलते आ रहे हैं, उधर माता कैकेयी भी सोच रही हैं और कहा कि आज इतनी सुंदर खुशबू अयोध्या में कहां से फैल रही है। इतने में महाराज दशरथ अयोध्या में आ गए। जब अयोध्या में पहुंचे तो सबसे पहले जो कैकेयी का भवन था, माता कैकेयी के पास महाराज दशरथ गए। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही कैकेयी के पास जाकर अपना मुकुट उतारा तो उस पुष्प को देखा तो कैकेयी ने कहा कि हे प्रभु, जो खुशबू फैल रही थी अयोध्या में, मुझे लगता है कि वो खुशबू इस पुष्प की है। महाराज दशरथ कहने लगे,
गई है खुशबू इसी पुष्प की। आज सभा इंद्र के दरबार में नहीं थी, आज सभा कुबेर के बाग में थी, इसीलिए कुबेर के बाग का पुष्प है। परंतु गई कहती है कि प्रभु मुझे यह पुष्प चाहिए, अगर ऐसे और भी पुष्प होते तो मैं माता को अर्पण करती। महाराज दशरथ माता कैकेयी की बात को कभी नहीं टालते थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि कैकेयी को यह पुष्प चाहिए तो तुरंत ही रथ मोड़ दिया कुबेर के बाग की। और जैसे ही कुबेर के बाग के पास पहुंचे, महाराज दशरथ ने क्या देखा कि जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे उस सिंहासन को धोया जा रहा है। जब महाराज दशरथ ने देखा कि यह तो मैं बैठा था उस सिंहासन को धो रहे हैं, तो उनसे पूछने लगे कि आप इस सिंहासन को क्या धो रहे हो। तो उन कारागिरों ने कहा कि हमें महाराज इंद्र का आदेश है, हम वैसे किसी को इस बात को बताते नहीं है, परंतु आप किसी से कहना मत, इसीलिए हम आपसे यह चर्चा बता रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो कारागृह ने कहा कि हमारे महाराज जब सभा लगती है तो हर वर्ष इस सिंहासन को धुलवाते हैं, क्योंकि अयोध्या से एक महाराज दशरथ आती है और वो इस सिंहासन पर बैठती है, और हमारे महाराज इंद्र का कहना है कि उनके मुख को देखकर पाप लगता है, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं, इसीलिए उनके मुख को देखकर पाप लगता है। जब महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी कि इंद्र मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मेरे डर से मेरे मुख पर कुछ नहीं कहता, और जब मैं चला जाता हूं तो मैं बैठता हूं सिंहासन को धुलवाता है। अब तो महाराज दशरथ सोचने लगे कि जब इंद्र ऐसा सोचता है तो मेरी प्रजा क्या सोचती हो, अगर ऐसा ही मेरे बारे में मेरी प्रजा सोचती होगी तो ऐसा राजा किस काम का जिस राजा के मुख को देखकर ही पाप लगता है। अब महाराज दशरथ इतनी बात सुनकर वह फूल वाली बात भूल जाते हैं और उन्हें गलानी हो जाती है। महाराज दशरथ को गलानी किस चीज की होती है? महाराज दशरथ को पुत्र की गलानी हो जाती है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और जब गलानी हुई तो सीधा फिर अयोध्या लौट कर आ जाते हैं। अयोध्या वापस आए, माता कैकेयी ने पूछा कि हे प्रभु आप मेरे लिए क्या वो पुष्प लेकर आए? तुम्हारा दशरथ कहते हैं कि हे कैकेयी आज मुझे इस बात का पता लगा, ऐसे
इसी बात का मुझे पता लगा है कि मैं वहां पर गया और तुम्हारी फूल वाली बात भूल आया। आज माता के गई महाराज जशंत का उदास मन, उदास चेहरे को देखकर कहने लगी, महाराज क्या बात है। महाराज जशंत कहते हैं कि कुछ नहीं, परंतु माता कैकेयी कहती हैं कि महाराज आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया और आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। महाराज जशंत कहते हैं कि कैकेयी मैं अब तुम्हें क्या बताऊं। जब मैं कुबेर के बाग में पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं जिस सिंहासन पर बैठता था उस सिंहासन को वो धो रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम इस सिंहासन को क्यों धो रहे हो तो उन्होंने कहा कि अयोध्या नरेश महाराज जशंत के मुख को देखने से पाप लगता है, इसीलिए हमारे महाराज हर वर्ष इस सिंहासन को धुलवाते हैं। तो महाराज जशंत से माता कैकेयी कहती हैं कि इंद्र की इतनी औकात नहीं है कि वो आपसे ऐसा बोल सके, क्योंकि इंद्र महाराज जशंत के बल पर ही देवलोक का राज करता है। महाराज जशंत कहने लगे, कैकेयी बात इंद्र की नहीं है। मैंने उस समय विचार लगाया कि जब इंद्र मेरे डर से इस सिंहासन को धुलवाता है तो मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अरे ऐसा राजा किस काम का जिस राजा के मुख को देखने से पाप लगता है। अरे जब मेरे मुख को देखने से पाप लगने लगेगा तो फिर मैं अपनी अयोध्या को कैसे संभालूंगा। महाराज जशंत को गलानी हुई। है
मुझसे कितनी डरती होगी और मेरे डर से मुझसे कुछ नहीं बोलती, परंतु पीठ पाछे जरूर कहती होगी, किस राजा के मुख को देखने से पाप लगता है। महाराज दशरथ बड़े रुदन कर रहे हैं और गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे दशरथ, क्यों डरते हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हें चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज के कहने पर अब महाराज दशरथ कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूंगा जो मुझे चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, चिंता मत करो दशरथ, तुम बस यज्ञ देव के लिए यज्ञ करवा। अब महाराज दशरथ यज्ञ करवाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषियों को बुलाया। आज जब माता सुमित्रा और कैकेयी
एक वर्ष हो गया। एक वर्ष में प्रभु का आगमन माता कौशल्या के घर होता और जो तीन भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण वे वो दो माताओं के पास आते बड़ा ही सुंदर अवसर है। जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ तो इंद्रदेव से सभी किन्नर गंधर्व नाचने लगते हैं, इधर आकाश से देवता फूल बरसाने लगते हैं, इधर सभी भगवान की जय जय करने लगे और माता के यहाँ बड़ा ही सुंदर बालक का आगमन हो गया। जैसे ही महाराज दशरथ ने आवाज सुनी तो दौड़ कर माता कौशल्या के कक्ष के पास आते हैं। अंदर से माता कौशल्या की दासी बाहर आती है और महाराज दशरथ से कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत ही एक मोहर उतार कर उस दासी को दे दी। अब इधर से माता कैकेयी के कक्ष से भागती हुई दासी आती है और आकर महाराज से कहती है, महाराज बधाई हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। उधर से तीसरी रानी सुमित्रा के यहाँ से दासी भाग कर आती है और कहा, महाराज वहां से आपको एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, परंतु महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। जब महाराज दशरथ ने सुना कि मेरे यहाँ चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है तो महाराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। महाराज गरीबों में अन्नदान करने लगे, सभी को भोजन कराने लगे और सब प्रकार से प्रभु को आनंद छाने लगा। प्रभु के जन्म की बात सुनकर अयोध्या से माताएं प्रभु को देखने आती हैं। जब देखने आई और प्रभु को बधाई देने लगी, जब बधाई देने लगी प्रभु का मुख देखने लगी और कहती है कि बड़ा ही सुंदर चार चार लालाओं का आगमन हुआ है। सभी कहते हैं कि प्रभु के चार चार पुत्रों का आगमन हुआ है, परंतु माताएं सोच रही हैं कि जो सबसे बड़े वाले पुत्र हैं उनका रंग सांवला है और बाकी जो तीन हैं वो गोरे हैं। माताएं प्रभु को और माता कौशल्या को बधाई देती हैं। जय श्री राम। लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया जी को बधाई। Oh,
Thank you.
गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि क्यों ना आप मेरे शिष्य के पास जाएं और उनसे जो छोटे छोटे बालक हैं उन दोनों पुत्रों को लेकर आए। विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि विचार तो आपने सही बताया है। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पता दिया तो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेने आते हैं। गाद तनय मान कि मुझे तो केवल राम लक्ष्मण
ले जाना। जब राम लक्ष्मण की जिद करने लगे तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको पता नहीं है क्या? अब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि कैसा पता? चौहते मन पायो सुत चारी, 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 चौहते मन पायो सुत चारी और चौहते विप्र वचन नहीं कहियो बिचारी। विश्वामित्र मुनि से कहने लगे कि मैंने इन्हें चौथे पद में पाया है, अरे जैसे तैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और इनको ही मैं आपके साथ कैसे जाने दूं? परंतु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दशरथ, तुम जानते हो विश्वामित्र मुनि को, अरे वो कितने बलवान हैं, कितने महामृषि हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पुत्रों को कोई खतरा हो सकता है? अरे राम लक्ष्मण को तो वो शिक्षा दिलाने ले जा रहे हैं, ना कि तुम्हारे पुत्रों को कोई कष्ट होगा। अब महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं राम लक्ष्मण को इनके साथ भेज तो सकता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये राम मेरा पुत्र नहीं है, और अगर राम के पिता को पता चल गया तो वे क्या सोचेंगे कि मेरे पुत्र को इतनी छोटी सी उम्र में इतने महाबलवान राक्षसी का वध करने भेज दिया। महाराज दशरथ कहते हैं कि राम मेरा पुत्र नहीं है, जब राम उनके पुत्र नहीं है तो किसके पुत्र है? महाराज दशरथ बताते हैं कि हे गुरुवर, जब एक बार मैं शनि से लड़ने गया था तो शनि की दृष्टि से ऊपर से गिरा, तो उस समय जटाओं ने मुझे अपनी पीठ पर ले लिया था। अगर जटाओं उस समय नहीं होता तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं थे। जटाओं ने मुझे पीठ पर ले लिया, उस समय मेरी मूर्छा थी, मैं मूर्छित अवस्था में था, तो जटाओं ने मुझे सीधा अयोध्या पर छोड़ा। और जब मैं होश में आया तो जटाओं से पूछा कि हे जटाओं, मुझे किसने बचाया? जटाओं जी कहने लगे कि मैंने। तो उस समय जटाओं को मैंने एक वचन दिया कि हे जटाओं, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं, तुम वरदान मांग लो। जटाओं कहने लगे कि हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु महाराज दशरथ कहते हैं कि नहीं जटाओं, आज तुम्हें कुछ लेना होगा, क्योंकि एक बार नहीं तुमने मेरे प्राण तीन तीन बार बचाए हैं। जटाओं जी से कहा कि तुम देवलोक का राज संभालो, क्योंकि इंद्र मेरे बल पर राज करता है। जटाओं कहने लगे, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा दशरथ ने कहा कि अब तुम्हें जो अच्छा लगे
वो मांग सकती हूँ। जटाओ जी ने कहा, महाराज अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपकी इतनी मन की इच्छा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बड़ा पुत्र दे दे। जब इतनी बात महाराज दशरथ ने सुनी तो उस समय महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि हे जटाओ, जिस विधाता ने मुझे उस चीज ही नहीं दी, अरे मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, वो पुत्र मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तो जटाओ जी ने कहा था कि हे महाराज, जब हो जाए तो दे देना। आज इसीलिए महाराज दशरथ विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि अगर जटाओ को पता चल गया कि मेरे पुत्र को तारका जैसी महाराक्षसी से लड़ने भेज दिया तो वह क्या सोचेगा। परंतु बार बार समझाने पर, बार बार विनय करने पर महाराज दशरथ मान जाते हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ जाने दिया। अब विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण रास्ते में जा रहे थे। जब दंडक वन में पहुंचे, रास्ते में जाने लगे, चली ही Yeah.
तड़का को लगा तो तड़का का पता नहीं चला कि सोर गिरी। जैसे ही तड़का धरती पर गिरती है उसके विकरार शरीर से धरती हिलने लगती है, और जब तड़का मर गई तो तड़का के जो दो पुत्र थे मारीच सुबायु, वो भी अब महामुनि विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बाधा डालने आए। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण यज्ञ की यहां पहुंच जाते हैं। जब यज्ञ चालू हुआ, जैसे ही भगवान के नाम की आहुतियां गिरने लगी, तुरंत ही मारीच वहां प्रकट हो जाता है। जैसे ही मारीच आया, प्रभु ने सोचा कि अब इसके उद्धार का समय आ गया। प्रभु ने तुरंत ही एक बाण फेंका तो मारीच का पता नहीं चला, समुद्र के उस पार लंका में जाके गिरा। मारीच का मरण सुनकर सुबाहु भी यज्ञ में बाधा डालने आया, तो भगवान ने सुबाहु को एक मुक्का दिया तो सुबाहु का भी पता नहीं चला किस ओर जाके गिरा। इस तरह से भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय। अब भगवान ने जब दोनों का उद्धार कर दिया तो एक दिन मिथिलापुरी से मिथिला के वासी आमंत्रित पत्र देने विश्वामित्र मुनि को आए। उस समय राम लक्ष्मण भी विश्वामुनि के पास थे, तो उनसे कहा कि मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला है, आपको उस यज्ञ में आना है। विश्वामित्र मुनि कहने लगे ठीक है। अब तो राम लक्ष्मण जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि जब महामुनि विश्वामित्र मुनि यज्ञ के लिए जाएंगे तो हम भी यज्ञ में जाएंगे। परंतु विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण से कहने लगे कि हे राम लक्ष्मण, तुम हमारे साथ चलोगे कि यही आश्रम पर रुकोगे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जैसे गुरुजी की इच्छा, अगर अपने साथ ले जाना चाहते हो तो साथ चलेंगे, अगर आश्रम पे रुकना हो तो हम रुक जाएंगे। परंतु लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज हमें तो आपके साथ जाना है। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि सोचने लगे कि हमें पता था कि राम इस बात को कभी नहीं कहेंगे कि हम गुरु के साथ चल रहे हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषम है। इधर लक्ष्मण जी तुरंत ही हर बात में आगे बोल जाते हैं। दोनों भाई मिथिलापुरी के लिए तैयार हो जाते हैं। Are you?
और हरिस चले मुनवर के साथा। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ जाने लगे और जब विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे तो राम जी को एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम को देखकर विश्वामित्र मुनि से पूछने लगे कि हे महाराज, ये तो आश्रम है पर इतना सुनसान क्यों है? यहाँ पर मनुष्य की तो बात छोड़ो, कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राम तुम्हें इससे क्या करना, तुम तो बस चलते चलो। परंतु राम जी पूछ रहे हैं कि मुझे इस आश्रम के बारे में जानना है कि यह आश्रम इतना सुना क्यों दिखाई दे रहा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, एक बार इंद्र के दरबार में सभी देव दानव की सभा थी। सभी सभा में बैठे हुए थे तो इंद्र ने सभी देवताओं से पूछा कि तुम बताओ, संसार में सबसे सुंदर कौन सी नारी है। जब देवताओं ने सोचा कि इंद्र तो काबी दिखाई देता है, तो देवताओं ने कहा कि हमें नहीं पता कि संसार में कौन सी नारी सुंदर है। तो इंद्र ने सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, तुम प्रतिदिन संसार का भ्रमण करते हो, तुम्हें तो पता होगा कि संसार में सबसे सुंदर कौन सी नारी है। सूर्यदेव कहने लगे कि अगर इंद्र से कोई बहाना बनाएंगे तो भी बात बनने वाली नहीं है और इंद्र को बता भी नहीं सकते कि संसार में सबसे सुंदर कौन सी नारी है। अब इंद्र कहते हैं, बताओ सूर, संसार में सबसे सुंदर कौन सी नारी है। इंद्र जी ने कहा कि बताओ जल्दी। सूर्यदेव कहने लगे, महाराज भादो के भरे महीने में जब मैं तपता हूं तो संसार के सारे प्राणी अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, इसीलिए मुझे नहीं पता कि संसार में सबसे सुंदर कौन सी नारी है। इंद्र ने कहा, बात तो सही है। तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुम तो प्रतिदिन संसार को उजाला देती हो और चांदनी रात को देखने तो सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तुम्हें तो पता होगा कि संसार में सबसे सुंदर कौन सी नारी है। अब तो चंद्रमा कहने लगे कि मुझे बताना पड़ेगा। चंद्रमा ने कहा, महाराज सबसे सुंदर इस संसार में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सबसे सुंदर है। इतनी बात सुनकर इंद्र चंद्रमा से कहने लगा कि गौतम ऋषि की पत्नी इतनी सुंदर है, अगर गौतम ऋषि की पत्नी इतनी सुंदर है तो चलो गौतम ऋषि के आश्रम चलते हैं। अब चंद्रमा कहने लगे, महाराज
आपको मैंने बता दिया, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकता। इंद्र कहने लगा कि फिर जानते हो हमारे प्रताप को, चुपचाप से जल्दी हमारे साथ चलो। इंद्र की बात सुनकर चंद्रमा तैयार हो जाते हैं और चुपचाप इंद्र के साथ चले जाते हैं। आधी रात का समय था, जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो देखते हैं कि सभी प्राणी सो रहे हैं। अब इंद्र कहने लगे कि हे चंद्रमा, तुम गौतम ऋषि को जगा। चंद्रमा कहने लगे कि गौतम ऋषि को किस प्रकार जगाएंगे। इंद्र ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुर्गा बन जाओ और जब मुर्गा की आवाज आएगी, गौतम ऋषि के कानों में जाएगी, तो वो अपने आप जग जाएंगे। चंद्रमा ने कहा ठीक है। जैसे ही चंद्रमा मुर्गा बन गए और बाग लगाई, मुर्गा की आवाज सुनकर गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया, तो तुरंत ही भी उठकर गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इधर गौतम ऋषि ने गंगा में पहुंच जाते हैं और उधर इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर लिया। जैसे ही गौतम ऋषि का भेष धारण किया और कुटिया में प्रवेश कर गए। इधर जब गौतम ऋषि गंगा के तट पर खड़े हो जाते हैं तो माँ गंगा तुरंत ही प्रकट हो जाती है और कहा कि हे गौतम, तुम यह क्या कर रहे हो? अरे इस समय तो आधी रात है, सवेरा भी नहीं हुआ और तुम इतने जल्दी गंगा नहाने आ गए। गौतम ऋषि ने कहा कि हे मैया, मुर्गा ने बाग लगाई और मुर्गा तो शाम सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आवाज लगाती है, तो मैंने सोचा कि सुबह हो। माता गंगा ने कहा कि हे गौतम, तुम्हारे घर चल हो रहा है, तुम जल्दी जाओ। इतनी बात सुनकर इंद्र वहां से चले जाते हैं और इधर गौतम ऋषि भी वहां से भागते भागते आने आए और इधर इंद्र को अपने भेष में देखा तो इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तो एक भग के लिए काबी बन जा, तेरे शरीर के 1000 भग हो जाएंगे। और चंद्रमा को श्राप दिया कि जा, तेरा नाम संसार में कलंकित हो जाएगा। और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि जा, तू पत्थर की हो जा। उस दिन से अहिल्या पत्थर की हो गई। आज यह सब कथा विश्वामित्र मुनि राम जी को बता रही है। जब सारी बात राम जी को बताई कि हे राम, इसीलिए आज यह आश्रम इतना सोना दिखाई देता है, परंतु आज तुम्हें इस अहिल्या का उद्धार करना है। प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है, गुरु की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर पत्थर की शिला पड़ी थी। वहां जाकर प्रभु श्री राम ने अपने चरण रज लगाई और प्रभु अहिल्या का उद्धार करने लगे। जब प्रभु ने जैसे ही अपने चरण रज लगाई तो तुरंत ही अहिल्या का उद्धार हो गया और वो प्रभु श्री राम की वंदना करते करते
अपने पति के पास चली जाती है। इस तरह से भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और फिर आगे बढ़े मार्ग में, आगे चलने लगे। चलते चलते प्रभु को गंगा का किनारा दिखाई देता है। जैसे ही गंगा का किनारा दिखाई दिया तो फिर से प्रभु श्री राम ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, अरे यह गंगा धरती पर कैसे आई जो जगतारिणी है? इन्हें धरती पर कौन लेकर आया? गुरु विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, उन सुर सर उत्पत रघुराई। तो सभी साथ
काल को पूजते हुए सीधा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है। और जब कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ की अश्व को बना दे, आद देव प्रभु दीन दयाला, तो जो आने वाले मनुष्य
नष्ट होंगे उनका क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात सही है, परंतु अगर गंगा का वेग ज्यादा बढ़ गया तो इस गंगा को कौन रोकेगा। भागीरथ ने कहा तो अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भागीरथ, तुम पहले भगवान शंकर की तपस्या करो, अगर भगवान शंकर हाँ कर देते हैं तो मैं तुम्हें गंगा प्रदान करूंगा। भागीरथ ने कहा ठीक है। जैसे ही भागीरथ ने भगवान शंकर की वंदना चालू की, भगवान शंकर तुरंत ही प्रकट हो जाते और कहा कि हे भागीरथ, तुम्हें क्या चाहते हो। भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु, मैं जो गंगा ले जाऊंगा आपको उस गंगा का वेग रोकना है। भागीरथ से भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उल्टा किया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उल्टा किया, उस कमंडल से गंगा बाहर आई, क्योंकि कमंडल में बहुत दिनों से माता गंगा निवास कर रही थी। जब आदि नारायण ने राजा बलि को छला था तो दो भग में ही धरती से आकाश, आकाश से पाताल नाप लिए थे, तो उस समय भगवान विष्णु के पैर में पसीना आ गया था, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। पैर से पैदा होने से सबसे प्रथम गंगा जी का नाम विष्णुपति हुआ। अब भागीरथ गंगा लेकर जाने लगे तो जेठ दशहरे को माँ गंगा हिमालय पर्वत पर कूदी, 88,000 पर्वतों को तोड़ा और भागीरथ के पीछे चल दी। जब भागीरथ के पीछे जाने लगी, भागीरथ सोचने लगे कि गंगा मेरे पीछे आ रही है, क्यों ना मैं देख लूं एक बार कि गंगा का वेग कितना है। अब जैसे ही भागीरथ ने देखा तो देखते हैं कि आकाश तक पानी लगा हुआ है। भागीरथ के रथ के पीछे जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। भागीरथ ने सोचा कि आज मेरे पूर्वजों के कारण सारे संसार के प्राणी नष्ट हो रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। भागीरथ ने फिर भगवान शंकर की वंदना चालू कर दी। भगवान शंकर तुरंत ही प्रकट हो गए और अपनी जटा को उखाड़ कर धरती पर पटक दिया। जैसे ही धरती पर पटका तो वही ब्रह्म कुंड बन जाता है। जो ब्रह्म कुंड आज हर की पौड़ी हरिद्वार के नाम से जानते हैं। सारी गंगा का पानी उसी जटा में समा जाता है और गंगा शांत हो जाती है। अगर भागीरथ सोचने लगे कि जितना जल मैं यहाँ तक पृथ्वी तक लेकर आया था, ये तो सारा जल इस जटा में समा गया, अब मैं अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा कैसे ले जाऊं। तो फिर भागीरथ ने विनय की और कहा कि हे प्रभु, आप एक जटा को खोल दे। तो भगवान शंकर ने एक जटा को खोल दिया, जिससे गंगा बाहर आई
और भागीरथ के पीछे चलने लगी। अब जिस रास्ते से भागीरथ जाने लगे, भागीरथ के पीछे पीछे ही गंगा जाने लगी। जैसे ही गंगा भागीरथ के पीछे जाने लगी तो भागीरथ जम ऋषि के आश्रम से निकल रहे थे, तो पीछे से गंगा जम ऋषि का सारा आश्रम बहा ले जाती है। जम ऋषि ने सोचा कि मेरे आश्रम को इस गंगा ने बहा लिया, तो जम ऋषि जितनी गंगा को भागीरथ लेकर आए उस गंगा को पी गए। जैसे तीन चुल्लू में अगस्त मुनि ने सारा समुद्र पी लिया था, भागीरथ ने जम ऋषि से विनय की, हे महाराज, आप मार्ग से हट जाएं और मुझे गंगा ले जाने दें। तो जम ऋषि मार्ग से हट जाते हैं, तो उस समय गंगा का नाम जामनी हुआ। गंगा का दूसरा नाम मंदाकिनी भी है, गंगा का तीसरा नाम प्रभावती भी है। जब भागीरथ ब्रह्म कमंडल से एक जटा को फुलवाकर गंगा ले जा रहे थे, तो उस जटा से तीन धारा उत्पन्न हुई थी, और तीनों धारा कहां कहां गई। तेते भईये तीन पुन धारा, भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु,
मैं जो गंगा ले जाऊंगा आपको उस गंगा का वेग रोकना है। भागीरथ से भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उल्टा किया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उल्टा किया उस कमंडल से गंगा बाहर आई, क्योंकि कमंडल में बहुत दिनों से माता गंगा निवास कर रही थी। जब आदि नारायण ने राजा बलि को छला था तो दो पग में ही धरती से आकाश, आकाश से पाताल नाप लिए थे, तो उस समय भगवान विष्णु के पैर में पसीना आ गया था, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। पैर से पैदा होने से सबसे प्रथम गंगा जी का नाम विष्णुपति हुआ। अब भागीरथ गंगा लेकर जाने लगे तो जेठ दशहरे को माँ गंगा हिमालय पर्वत पर कूदी, 88,000 पर्वतों को तोड़ा और भागीरथ के पीछे चल दी। जब भागीरथ के पीछे जाने लगी, भागीरथ सोचने लगे कि गंगा मेरे पीछे आ रही है, क्यों ना मैं देख लूं एक बार कि गंगा का वेग कितना है। अब जैसे ही भागीरथ ने देखा तो देखते हैं कि आकाश तक पानी लगा हुआ है। भागीरथ के रथ के पीछे जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। भागीरथ ने सोचा कि आज मेरे पूर्वजों के कारण सारे संसार के प्राणी नष्ट हो रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। भागीरथ ने फिर भगवान शंकर की वंदना चालू कर दी। भगवान शंकर तुरंत ही प्रकट हो गए और अपनी जटा को उखाड़ कर धरती पर पटक दिया। जैसे ही धरती पर पटका तो वही ब्रह्म कुंड बन जाता है। जो ब्रह्म कुंड आज हर की पौड़ी हरिद्वार के नाम से जानते हैं। सारी गंगा का पानी उसी जटा में समा जाता है और गंगा शांत हो जाती है। अगर भागीरथ सोचने लगे कि जितना जल मैं यहाँ तक पृथ्वी तक लेकर आया था ये तो सारा जल इस जटा में समा गया, अब मैं अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा कैसे ले जाऊं, तो फिर भागीरथ ने विनय की और कहा कि हे प्रभु आप एक जटा को खोल दे। तो भगवान शंकर ने एक जटा को खोल दिया जिससे गंगा बाहर आई और भागीरथ के पीछे चलने लगी। अब जिस रास्ते से भागीरथ जाने लगे भागीरथ के पीछे पीछे ही गंगा जाने लगी। जैसे ही गंगा भागीरथ के पीछे जाने लगी तो भागीरथ जम्ब ऋषि के आश्रम से निकल रहे थे, तो पीछे से गंगा जम्ब ऋषि का सारा आश्रम बहा ले जाती है। जम्ब ऋषि ने सोचा कि मेरे आश्रम को इस गंगा ने बहा लिया, तो जम्ब ऋषि जितनी गंगा को भागीरथ लेकर आए उस गंगा को पी गए। जैसे तीन चुल्लू में अगस्त मुनि ने सारा समुद्र पी लिया था, भागीरथ ने जम्ब ऋषि से विनय की हे महाराज आप मार्ग से हट जाएं और मुझे गंगा ले जाने दें। तो जम्ब ऋषि मार्ग से हट जाते हैं। तो उस
अमली हुआ। गंगा का दूसरा नाम मंदाकिनी भी है, गंगा का तीसरा नाम प्रभावती भी है। जब भागीरथ तो ब्रह्म कमंडल से एक जटा को फुलवाकर गंगा ले जा रहे थे तो उस जटा से तीन धारा उत्पन्न हुई थी और तीनों धारा कहां कहां गई। तेरे भैये तीन पुन धारा को विनाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।